ब्रेकिंग स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। सीएम ने जाना वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का हाल। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुक हुए सीएम। 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से की बात। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। बुजुर्ग खुश हैं या देखकर अच्छा लगा सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूँ। वे स्वस्थ और वृद्धाश्रम में खुश हैं यह देखकर अच्छा लगा। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। वे इस बात से खुश हैं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं परिवार के सदस्य की भांति उनकी सुध ली। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुकता के क्षण भी आए, जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि आपके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं क्या। बुजुर्गों ने नम आंखों से कहा कि समय समय पर परिवार के लोग मिलने आते हैं। जांजगीर के देव समिति की बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्णिमा थवाइत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। परिवार के लोग उनसे बीच बीच में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम में बाहर से आने वाले लोगों से मास्क लगाकर दूर से बात करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के ग्राम भिलाई के प्रेरक संस्था द्वारा संचालित सियान सेवा सदन मुंगेली में छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम राजानंद गांव में, समता मंच द्वारा संचालित वृद्धाश्रम रायगढ़ और बस्तर में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी बिलासपुर में जनपरिषद द्वारा और जांजगीर चांपा में देव सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों से बातचीत की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पी दयानंद भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। तो इसके साथ खबर छत्तीसगढ़ में।